हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में सीखेंगे हम फेस मसाज करना, जिसके लिए हमें ग्लिसरीन चाहिए और उसके बाद हमें चाहिए ये है, इसको अरंडी का तेल भी बोलते हैं और कैस्टर ऑयल भी बोलते हैं। ये काफ़ी अच्छा होता है स्किन के लिए, और ये है बादाम का तेल। अगर आपके पास ये तीनों ही नहीं है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आप इसमें नारियल का तेल भी यानी कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकती हैं। एक बाउल में एक एक चम्मच इनको मिला के मिक्स कर लीजिए। अगर ये तीनों नहीं है तो सिर्फ नारियल का तेल, अब सबसे पहले जो आपने जो ये द्रौपदी जैसी जुल्फे खोली हुई हैं इनको आप अच्छे से बांध लीजिए, ताकि ये आपको डिस्टर्ब ना करें जब आप फेस मसाज करें। और सच में अगर आप इसका रेगुलर यूज़ करते हैं तो आपकी जो स्किन है वो एकदम ग्लास की तरह चमकेगी। ग्लास समझते हो ना, जिसमें हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसकी तरह चमकेगी। तो आपको क्या करना है, पहले हाथों को अच्छे से, पहले फेस को अच्छे से वॉश कीजिए, कोई भी धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अपने हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाइए और पूरे फेस पे इस तरीके से हाथों से थपथपाइए, ताकि पूरे फेस पे आपका ऑयल लगना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद हम जो शुरुआत करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि हाथों को अच्छे से ऑयल से पूरा गीला करना है, ताकि आप जब मसाज करें तो उसमें आपके स्किन पे रैशेज ना पड़े। अब उसके बाद हम फोरहेड से स्टार्टिंग करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने ऐसे हाथों को एक साइड इधर खींचना है और एक साइड ऐसे, फिंगर से भी आप इस तरीके से करते हैं। जैसे हमारे फोरहेड पे रिंकल्स पड़ जाते हैं तो वो किसकी वजह से पड़ते हैं, जैसे हमारी स्किन में ज़्यादा रूखापन होता है या उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये आप करेंगी तो अभी हम करते हैं फेस मसाज, मतलब सॉरी उसकी चिक्स मसाज, जो हमारे गालों की मसाज होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे स्किन को ऊपर की साइड लेके जाना है। ये देखिए, कभी भी नीचे की साइड नहीं करना है, वो रॉन्ग होगा, वरना आपकी जो स्किन है वो 30 की उम्र में ही 70 साल की लगेगी अगर नीचे की साइड करेंगी तो, वो रॉन्ग होगा। ध्यान रखें ऊपर की साइड करना है ऐसे, ठीक है। अभी उसके बाद हम आईज़ मसाज करेंगे। तो आईज़ के लिए आपको जो आपकी रिंग फिंगर होती है उसका यूज़ करना है। उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाइए और इस तरीके से गोल गोल सर्कल में घुमाते जाइए। ध्यान रखें ज़्यादा आंखों पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। और जो आपकी आईब्रोज़ होती हैं, जैसे कई बार हमारी आईब्रोज़ बिगड़ जाती हैं, बाल नहीं आते हैं, तो ये जो तीनों ही तेल हैं वो बहुत ही गुणकारी हैं। तो अगर आप इनका रेगुलर यूज़ करते हैं, जैसे आपकी आईज़ पे रिंकल्स आ गए हैं तो आप आईज़ को ऐसे ऊपर की साइड थोड़ा सा प्रेस करेंगी तो आपके, और ये आपको रेगुलर करनी है 5 मिनट। अब अपनी फिंगर को ऐसे राउंड बना के और इस तरीके से देखिए स्किन को ऊपर की तरफ लेके जाना है और ईयर के पास ऐसे छोड़ देना है। अब उसके बाद अगर आपको अपनी जॉ लाइन बनानी है अच्छे से, तो आपको क्या करना है ऐसे, और देखिए अगर फेस के साथ साथ गर्दन को मत भूल जाइए, क्योंकि अगर फेस करेंगी मसाज और गर्दन को भूलेंगी तो गर्दन अलग ही दिखेगी आपकी लटकी हुई, ठीक है। तो ध्यान देना है, और जॉ लाइन के लिए जो मैंने फेस मसाज बताई ऐसे फिंगर से ऐसे खींचना है थोड़ा थोड़ा, और लिप्स की भी अच्छे से मसाज करनी है, ताकि आपके यहाँ पर कोई भी ब्लैक हेड वाइट हेड ना पड़े। तो उसके लिए आपको ऐसे अच्छे से मसाज करनी है, ये देखिए। पर ध्यान दें आप कि स्किन को ऊपर की साइड खींचना है, ना कि नीचे की साइड। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, और पूरे ही पूरी जैसे हमने ये पूरी फेस मसाज है, जैसे मैंने पूरे फिंगर को ऐसे पकड़ा और ऐसे किया और नीचे की साइड लेके आई, ठीक है। ये देखिए किस तरीके से हम कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो खून का सर्कुलेशन है वो चलता है, और कोई भी दाग धब्बे झाइयाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो स्किन पे तो वो सारी ख़त्म होती हैं। लेकिन लेकिन आपको रेगुलर करना होगा, ऐसा नहीं कि आपने एक दिन किया दो दिन किया, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आपको 10-10 स्टेप करने, जैसे हमने फोरहेड पे 10 स्टेप कर लिए, चिक्स पे 10-10 स्टेप कर लिए, मतलब 10-10 बार आपको करना है। ये वाला भी आईज़ का भी ऐसे 10 बार करना है, ठीक है, दोनों आईज़ पे 10 बार इधर 10 बार उधर। 5 से 6 मिनट लगेंगे मैक्सिमम, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस इसको करके आप छोड़ दीजिए जो जो हमने बताया, और ऐसे ये आईज़ का थोड़ा अच्छे से कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी स्किन है जो वो थोड़ी सी गर्म होगी, उसमें खून सर्कुलेशन होगा और आपकी जो स्किन है वो ग्लास की तरह चमकेगी। तो इसको रेगुलर कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा मेरा तरीका। अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और ये भी लिखिएगा ज़रूर आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब इसको लगभग 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, तब तक अपना काम कर लीजिए। देखिए जॉ लाइन ऐसे बनती है, ये देखिए जो
ये जो लाइन होती है जैसे डबल चिन है आपकी, तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा है फेशियल। ऐसे नेक की साइड करना है आपको तो बस करिए, और कमेंट करके नीचे बताइए। नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो यहाँ अच्छे से पूरे फेस को एक बार और हम इस तरीके से जितना भी हमारे हाथों पे ऑयल है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए कितना अच्छे से चमक रही है स्किन। अब हम बस